2022 में दोस्तों Nord CE2 Lite हाईएस्ट सेलिंग फोन था अंडर 20,000, उसका ये सक्सेसर है यस OnePlus Nord CE3 Lite। और मैं एक बात कहूं, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर इस साल 2023 का अंडर 20,000 OnePlus का फोन जो है ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें अच्छी चीजें हैं। हाँ, एक दो चीजें ऐसी भी हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, आई वॉज होपिंग की वो होंगी लेकिन नहीं है, बट सम थिंग्स आर रियली 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 गुड। अलर्ट स्लाइडर नहीं है। चलिए आज इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में। बॉक्स भी थोड़ा अलग है, नॉट 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 लिखा हुआ है एंड ओनली ब्लू है, ब्लैक बॉक्स है। लेट्स ओपन। ओके, ऐसे लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि जनरली वन प्लस के फोन्स होते हैं वो जो फ्लैगशिप लेवल के होते हैं वो रेड बॉक्स वगैरह होता है, नॉट दिस वन। ऑलराइट, सबसे पहले दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन यस। ओ, स्टिकर्स हैं, नॉर्ड के स्टिकर्स हैं, सिम कार्ड टूल है, सेफ्टी गाइड, मेंबरशिप कार्ड, क्विक गाइड, स्टिकर्स, ये वो सब कुछ। चलिए रख देते हैं दोस्तों साइड में, लेट्स कीप दिस असाइड। केस आती है, फ्लैट साइड्स लग रहे हैं। ओके, ये है फोन, वेरी नाइस। ओके, और क्या है भाई, 80 वॉट का अडाप्टर है, वैसे फोन 67 वॉट को सपोर्ट करता है, बट अगेन 20,000 रुपीस के नीचे कोई भी फोन दोस्तों, आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट जो है फॉर चार्जिंग, एटलीस्ट वन प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ तो लाल दिखा दोस्तों, कुछ तो लाल दिखा, जी हाँ, दैट फेमिलियर वन प्लस की रेड केबल एंड इट इज यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी टू टाइप सी नहीं है। सो चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं, थोड़ा गिराते हैं, टेस्ट करते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। Look at that color! Oh my God! ये वैसे पेस्टल लाइन कलर है, इसमें क्रोमैटिक ग्रे भी कलर आता है दोस्तों, बट लुक एट दिस, सो फ्लैशी, सो गुड एंड प्रीमियम। ऐसे नहीं है कि कभी कभी क्या होता है ज्यादा कलर्स डाल देते हैं ना तो चीप लगता है, नॉट विद दिस वन। ये तो ग्लास लग रहा था मुझे, प्लास्टिक है बट एट लुक इट एब्सोल्युटली गिव्स अ ग्लास। कोई भी देखेगा तो बोलेगा ग्लास के साथ ही है, ग्लास बैक है, बट नहीं, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड जो फ्रेम है दोस्तों दैट इज ऑल्सो प्लास्टिक। वैसे अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो पावर बटन आता है थोड़ा अंदर की तरफ है, बट पोजिशनिंग परफेक्ट है एंड विच ऑल्सो डबल्स अप एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल आता है, यूएसबी टाइप सी है, 3.5mm जैक है, माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है जिसकी पोजीशनिंग भी अच्छी है एंड ऊपर की तरफ आपको, ऊपर नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, वो भी देखेंगे। नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। वेयर इज द अलर्ट स्लाइडर? देयर इज नो अलर्ट स्लाइडर। क्विकली सिम कार्ड ट्रे भी देख लेते हैं। दिस इज अ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट, मतलब एक सिम एंड एक एसडी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यू कैन यूज टू नैनो सिम कार्ड्स। जी हाँ, चलिए साइड में रखते हैं। आई लाइक दिस फोन, इन हैंड फील जबरदस्त है, फ्लैट साइड है दोस्तों, आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू स्लिप फ्रॉम योर हैंड। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है, तो वेट के बारे में बात करते हैं, लेट्स सी। 180 ग्राम्स होगा दोस्तों, 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है, बट स्टिल इट विल बी अबाउट 180 ग्राम्स, नॉट वेरी हैवी। ओके, 198 ग्राम्स, ओ माय गॉड, ये हल्का क्यों लगता है हाथ में, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सीरियसली आई डोंट नो। 198 ग्राम्स और मैंने 180 ग्राम्स का, दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं पहले देखता हूं, ऐसे नहीं होता है। यस वी डू रिसर्च ऑन द फोन बट आई डू नॉट सी द वेट, इतना मैं आपसे कहता हूं। वैसे स्क्रीन गार्ड आता है जो मुझे निकालना है, बहुत मजा आता है, आवाज नहीं आया यार। बाहर से तो देख लिया दोस्तों, और कुछ देखना है नहीं, अंदर देखते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले जो है दोस्तों इसका 6.72 इंच का IPS LCD 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट वाला विद 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट वाला विद 680 निट्स ब्राइटनेस आता है। ओवरऑल 20,000 के नीचे दोस्तों सिर्फ मुझे लगता है मोटरोला एंड और कौन देता है, कौन सा ब्रांड एमोलेड डिस्प्ले देता है, ये IPS LCD डिस्प्ले है, फ्लैट डिस्प्ले है। वैसे एमोलेड होता तो अच्छा होता बट क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, लेट मी हैव अ लुक। ओके, जब तक ये स्टार्ट हो जाता है डिस्प्ले दिखाने से पहले दोस्तों आपको प्राइस के बारे में बात करते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है ना दैट इज 8128, नो 16128 हियर, 8128 बेस वेरिएंट है एंड उसके ऊपर वाला वेरिएंट जो है वो 8256 का है। इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस है 8128 की दैट इज अंडर 20,000, 19,999 होगा एंड जो ऊपर वाला होगा 256GB वेरिएंट होगा विद 8GB एंड जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं मुझे प्राइस पता नहीं है बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अंडर 20,000 और उस हिसाब से देखने वाला हूं इस पर्टिकुलर फोन को। ओके, बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स स्मॉलर देन एवरेज, ऊपर भी बेजल जो है स्मॉलर देन एवरेज, चिन मैं कहूंगा इज देयर बट नॉट वेरी बिग, एवरेज साइज की चिन है। ओ, व्यूइंग एंगल्स आर वेरी वेरी गुड, ये क्वालिटी आईपीएस डिस्प्ले है। लुक एट द कलर्स, आई डोंट नो अगर आप डिस्प्ले से ठीक तरह से देख पाओगे बट लुक एट द कलर्स, दे लुक वेरी नाइस। आईपीएस एलसीडी की क्वालिटी भी अच्छी है, सो दैट इज गुड, डिसेंट डिस्प्ले। अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं दोस्तों, ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर के ऊपर। अब दोस्तों पिछले 6-8 महीनों से हमने बहुत सारे फोन देखे हुए हैं
95. जब हमने बेंचमार्क टेस्ट की दोस्तों, सबसे ज्यादा अंतुतु स्कोर इसका है समथिंग लाइक 420,000 के ऊपर, 420,000-425,000 के करीब. सो आई विल से इट इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड 695 प्रोसेसर और ऑब्वियसली 5G प्रोसेसर, सो दैट इज गुड. अगर मैं 20,000 के नीचे बात करूं दोस्तों, जनरली रियलमी, शाओमी, इनके फोन ध्यान में आते हैं. बट आई विल टेल यू व्हाट, ऐसे लग रहा है कि 2023 में OnePlus Nord C3 Lite will again take the cake. It will outsell these other brands. ऐसे मुझे लग रहा है. Let's see. Performance के बारे में बात करूं. जी हाँ, on paper मैंने आपको बताया score. But highest settings पे आप games खेल पाओगे. मैं हमने Apex Legends, COD Mobile ये सब games खेल के देखे. And you can play on highest setting and smooth gameplay. So 695 का जो performance है, that is really good. What I was actually surprised was ठंडा रहता है. हमने कुछ आधा पौना घंटा continuously games खेले highest setting पे, फिर भी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ. So thermals were within control. बैटरी के बारे में बात करूं, 5000 mAh की बैटरी है, 6nm प्रोसेसर है दोस्तों, सो आपको आराम से दिन भर जाएगा. एंड ये 67 वॉट चार्जिंग व्हिच डज 0-80% इन अबाउट 30 मिनट्स. तो चार्जिंग के मामले में भी इट इज वन ऑफ द बेटर चार्जिंग और बेटर फास्ट चार्जिंग फोन्स अंडर 20,000. चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं, और इसमें दो तीन चीजें इंटरेस्टिंग मुझे आपसे बात करनी है. एक तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन ओएस 13.1 पे आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13. हमने OnePlus से बात करने की कोशिश की, बट हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली कि अपडेट्स क्या है. बट आई टेल यू व्हाट, ऐसे नहीं है कि नहीं होने वाले. 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं. वो मैं कंफर्म करता हूं, जब पता चलेगा तो हमारी न्यूज वगैरह देखिए, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो बताएंगे. बट एट दिस टाइम वी डोंट हैव क्लैरिटी. बट एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं. जी हाँ, ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स नहीं है, इनफैक्ट मैं कहूंगा क्लीन है, ब्लोटवेयर ज्यादा नहीं है. बट हाँ, एक ब्लोटवेयर जरूर आता है, हॉट गेम्स, यस. और वो सेटअप करते समय आप डीएक्टिवेट या फिर बंद नहीं कर सकते हो, आपको उनका जो इंटरनेट ब्राउजर है उसमें जाना होगा और उधर आप उसे डीएक्टिवेट कर पाओगे. यस, सो हॉट गेम्स आता है, हॉट गेम्स. सेंसर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर्स आते हैं. साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जिसकी पोजीशनिंग मुझे अच्छी लगी. जनरली थोड़ा ऊपर की तरफ होता है. दिस इज लाइक जब आप फोन पकड़ते हो, आपका जो थंब है सीधा उसी के ऊपर जाता है. सो वो पोजीशनिंग मुझे अच्छी लगी. फेस अनलॉक है, सब सेंसर्स हैं, ऑल ऑफ देम वर्क वेल. कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, 5G है, 13 बैंड्स है, डुअल बैंड वाईफाई आता है एंड ब्लूटूथ 5.1 है. वैसे मैंने रैम टाइप और स्टोरेज टाइप के बारे में बात नहीं की दोस्तों. इसमें LPDDR4X रैम टाइप आती है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है. और हाँ, 8GB वर्चुअल रैम भी आता है, सो 8+8 मिल जाता है आपको. Yeah, if you are in that. Let's talk about multimedia. हाँ, AMOLED screen नहीं है, but IPS LCD अच्छे quality की screen है, viewing angles अच्छे हैं, immersive display है, bright है, 680 nits brightness है, तो it is bright. That is really good. So display wise, I do not have any problems. Outdoors भी आप video वगैरह देखोगे, इसमें आपको मजा आएगा. 3.5mm jack है. Yes, so अगर वायर्ड ईयरफोन से आपको वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आपको मजा आएगा. लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा डिस्प्ले के बारे में, AMOLED तो नहीं है लेकिन 10-bit पैनल भी नहीं है, इट इज 8-bit पैनल. आई डोंट नो, इट इज लुकिंग सरप्राइजिंगली गुड, बट दैट इज व्हाट इट इज. ऑडियो के मामले में बात करूं दोस्तों, तो आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं. जी हाँ, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल नहीं है, बट ये जो आपका ईयर पीस है उसके अंदर एक स्पीकर है और नीचे की तरफ, सो स्टीरियो स्पीकर्स हैं एंड क्वालिटी इज डिसेंट. ओवरऑल मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा, अबव एवरेज मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस. ड्रॉप टेस्ट, अभी रिमाइंड किया मुझे ड्रॉप टेस्ट के बारे में. आई नो यू आर वेटिंग फॉर इट, लेट्स डू दिस बिफोर गोइंग फॉरवर्ड. कैमरा के बारे में बात करने वाला है, छोटे फीचर्स जो है उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन गिराते हैं इसे. वैसे पीछे प्लास्टिक है, आगे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, कौन सा पता नहीं है, पता चल जाएगा अभी गिरा के. और मैंने स्क्रैच गार्ड भी निकाल दिया है, सो लेट्स डू दिस. 1, 2, 3. ओह, बाउंसी. ऑलराइट, पीछे से गुड, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स. छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं बिफोर गोइंग टू कैमरा. जी हाँ, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, लेकिन HDR सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स पे आप HDR या YouTube पे HDR नहीं देख पाओगे, फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे. सो नो प्रॉब्लम्स देयर, सार वैल्यू विद इन लिमिट्स. IP सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है. एक चीज कहूंगा दोस्तों, जी हाँ, दिस इज अ फिंगर मैग्नेट, तो उतना याद रखिए. कैमरा 2 API का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट्स नहीं है. ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स कैमरास. और यहाँ पे दोस्तों, यू नो, आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि 20,000 के फोन में अल्ट्रा वाइड देना बंद कर रहे हैं ब्रांड. आई मीन, ये ट्रेंड दिख रहा है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है. इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है. जो प्राइमरी सेंसर है 108 मेगापिक्सल का, सैमसंग का HM6 सेंसर है एंड दैट इज अ गुड सेंसर, उसके बारे में बात करूंगा. लेकिन अल्ट्रा वाइड किधर है? बाकी के दो जो सेंसर्स हैं, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है. सो ज्यादा करके HM6 के बारे में बात करेंगे. मैंने नेगेटिव तो बता दिया, लेकिन पॉजिटिव के मामले में बात करूं तो दिस इज अ गुड सेंसर. मतलब हमने जितने भी फोटोज निकाले, जो कलर्स वगैरह आते हैं,
अपना नेचुरल आते हैं। अभी इसी प्राइस रेंज में रियलमी 10 प्रो मिलता है जो पंची कलर्स देता है आपको, जी हाँ, एंड लोगों को वो अच्छे लगेंगे। बट इसका कैमरा मुझे रियलमी 10 प्रो से भी ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज ऑफ कलर्स। हाँ, डायनेमिक रेंज अच्छी है, शार्पनेस वगैरह अच्छा है, और हाँ, इसमें डिजिटल जूम मिलता है आपको 1x एंड 3x, विच इज लॉसलेस। 108 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको रेजोल्यूशन ज्यादा मिलता है, तो यू नो दे बेसिकली जूम आउट एंड आपको लॉसलेस डिजिटल जूम भी मिलता है। वीडियोग्राफी में अनफॉर्चुनेटली 4K रिकॉर्डिंग नहीं, 695 प्रोसेसर जो है वही सपोर्ट नहीं करता है। यू हैव टू बी सैटिस्फाइड विद 1080p एट 30 FPS। या आगे के सेंसर के बारे में बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का सेंसर है दोस्तों, एंड जो भी फोटोज वीडियोज बहुत सारे हमने निकाले हुए इसके साथ, एंड वी आर वेरी इंटरेस्टेड, क्यूरियस थे कि भाई कैसे निकले, क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा बिकने वाला है, तो बहुत सारे फोटोज और वीडियोज निकाले हुए। मेक श्योर यू चेक आउट द जी ड्राइव लिंक जहां पे मैंने स्टोर किए हुए अलग अलग कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में, सो जस्ट गो एंड चेक दैट आउट, सभी ओरिजिनल क्वालिटी में आपको दिखेंगे। फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों तो ड्यूअल वीडियो मोड है, मतलब आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम आप इस्तेमाल कर पाओगे। प्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह आता है, सो ऑल दोस फीचर्स जो यू एक्सपेक्ट ऑफ अ स्मार्टफोन कैमरा दे आर ऑल देयर। देखिए दो चीजें हैं, एक तो अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड एमोलेड। एमोलेड आई विल इवन स्किप दैट, क्योंकि अगेन 20,000 के नीचे थोड़ा मुश्किल है विद ऑल दी अदर फीचर्स, बट अल्ट्रा वाइड कैमरा इसके अंदर होना चाहिए था। अदर देन दैट दिस फोन लुक्स रियली 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 कंपेलिंग। जी हाँ, जो मैं मिस कर रहा हूँ 8 मेगापिक्सल एंड अलर्ट स्लाइडर बींग वन प्लस फोन, बट अदर देन दैट ये वन प्लस नॉट सी 3 लाइट दोस्तों, एक तो हाईलाइट ये है कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज आपको बेस वेरियंट मिल रहा है जो 20,000 के नीचे। 695 इज अ वेरी वेरी गुड मिड रेंज परफॉर्मिंग प्रोसेसर, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूंगा अच्छा है। डिस्प्ले ठीक है, आई मीन आई विल एक्सेप्ट दैट, अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट, बट ओवरऑल अगर इस फोन के पास देखोगे आई विल स्टिल से दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग फोन्स ऑफ 2023। वैसे आपको कोई सवाल है दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और कुछ भी होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।